गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हमें कम स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि हम हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह हो गया, SSD हो गया या फिर पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं। तो जो ब्रांड स्टोरेज स्पेस जो एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कि 500 GB, 1000 GB, 1 TB या फिर 32 GB, 16 GB की जो पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, तो जो एडवर्टाइज्ड किया जाता है ब्रांड की तरफ से स्टोरेज, जैसे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में उसे लगाते हैं तो वो स्टोरेज काफ़ी कम हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम 1 TB 1000 GB की हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वहाँ पर हमें सिर्फ 931 GB की ही यूजेबल स्टोरेज मिलती है, तो बाकी का 70 GB कहाँ गया। या फिर अगर हम 32 GB की पेन ड्राइव लगाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हमें 29.6 या 29.7 GB ही यूजेबल मिलता है, तो बाकी का 2.5 GB वो कहाँ गया। तो आप ये सब ज़रूर सोचते होंगे अगर आपको नहीं पता है तो, और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। होपफुली आपके सारे जवाब आज मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा यूनिट कन्वर्जन समझना पड़ेगा, डिजिटल यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि इन सब चीज़ के पीछे यही जिम्मेदार है मैट्रिक्स। तो नॉर्मली हमें क्या पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि 1000 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB और 1000 GB इज इक्वल टू 1 TB, और ऐसी आगे चीज़ें चलती जाएंगी। और ये सब चीज़ें अपनी जगह सही हैं, और जितने भी हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, पेन ड्राइव वगैरह हो गए, ब्रांड इन्हीं के अनुसार, इसी कन्वर्जन फॉर्म के अनुसार, इसी के बेसिस में जे सब हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव वगैरह की जो स्टोरेज है उसको कैलकुलेट करती है, उन वैल्यू को मेजर करती है, और जो वैल्यू निकल के आता है उसको एडवर्टाइज़ कर देती है, जैसे कि 500 GB, 1000 GB, 16 GB, 32 GB। और ये जो कन्वर्जन फॉर्म है ये डेसिमल कन्वर्जन फॉर्म है, डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करता है, जो कि बेस 10 से कैलकुलेट किया जाता है हम ह्यूमंस के लिए, जो कि काफ़ी इजी रहता है, कन्वर्जन वगैरह इजी रहता है, और इजी रहता है तो जल्दी समझ में भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं, अदर डिवाइसेज हैं, लैपटॉप्स वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह हैं, वो बाइनरी फॉर्म पर काम करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो जीरोज़ एंड वंस के ऊपर काम करते हैं, बाइनरी कोड्स का यूज़ करते हैं, जिसे बेस 2 पे कैलकुलेट किया जाता है इंस्टेड ऑफ बेस 10। तो यहाँ पर सब चीज़ें जीरोज एंड वंस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो स्टोरेज वैल्यू कैसे डेसिमल वैल्यू और बेस 10 पे कैलकुलेट कर सकता है कंप्यूटर। यहाँ पर जो बेस 10 वैल्यू है, डेसिमल नंबर है, वो 0 से लेकर 9 तक रहती है, और जो बाइनरी नंबर है, बेस 2 वैल्यू है, वो 0 और 1 रहती हैं, यानी कंप्यूटर के पास एक एट ए टाइम वो 0 और 1 दोनों में से कोई एक वैल्यू ही रख सकता है। यहाँ पर आपने किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट तो बहुत सुना होगा, देखा भी होगा अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह में, लेकिन यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का और एक वैल्यू है, और एक यूनिट है जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, सुना होगा तो शायद नहीं पता होगा ये किस चीज़ के लिए है, और अगर आपको पता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो दूसरे यूनिट्स हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, वो है KB बाइट, MB बाइट, GB बाइट और TB बाइट, और इन सब यूनिट्स का भी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट का भी आप जानते हैं, KB, MB, GB, TB, तो इनका तो शॉर्ट फॉर्म आप जानते हैं, और जो KB बाइट, GB बाइट, MB बाइट और TB बाइट है, इनका भी शॉर्ट फॉर्म है, KB के बीच में स्मॉल आई है वो बताता है कि KB बाइट है, GB के बीच में स्मॉल आई है तो वो बताता है GB बाइट है, MB के बीच में स्मॉल आई है तो वो बताता है MB बाइट है। तो ये इनका शॉर्ट फॉर्म भी है, जिनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये अलग ही यूनिट में है, इनको कन्वर्जन अलग यूनिट से किया गया है। सो 1 KB बाइट में होते हैं 1024 बाइट, 1 MB बाइट में होते हैं 1024 KB बाइट। इन सभी चीज़ों की जो बाइट्स वैल्यू है वो भी मैंने आगे डाल दी है, वो आगे कैलकुलेशन में काम आएगी, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से 1 GB बाइट में होते हैं 1024 MB बाइट और 1 TB बाइट में होते हैं 1024 GB बाइट। ये सभी जो वैल्यू है वो बेस 2 के ऊपर काम करती है, इन सभी चीज़ों को बेस 2 के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये जो न्यू यूनिट्स वगैरह जो मैंने बताए हैं, कन्वर्जन यूनिट्स जो बताए मैंने आपको, उससे स्टोरेज स्पेस से क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है दोनों में। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने 1 TB की हार्ड ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगा है तो 1 TB में कितने बाइट्स होते हैं, 1 TRILLION बाइट्स होते हैं। तो अगर मैं उस 1 TRILLION बाइट्स को मैं 1024 से 3 बार डिवाइड कर दूं, अब यहाँ पर 3 बार डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि जो वैल्यू है वो बाइट्स में है, 1 TRILLION जो 1 TRILLION है वो बाइट्स में है। सबसे पहले उसे 1024 से डिवाइड करके 1 KB बाइट में लाना पड़ेगा, फिर दोबारा 1024 से डिवाइड करके उसे MB बाइट में लाना पड़ेगा, फिर दोबारा 1024 से डिवाइड करके उसे GB बाइट में लाना पड़ेगा, तब जाके हमें ओवरऑल
GB में वैल्यू मिलेगा, और वो जो वैल्यू रहेगी वो कितनी वैल्यू है, वो 931 है, और जो कि एग्जैक्ट सेम स्टोरेज स्पेस है जो कि विंडोज़ हमें दिखाता है 1 TB की हार्ड डिस्क के लिए। इसका और एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं गूगल में अगर आप स्टोरेज कन्वर्जन में सर्च करेंगे कि 1 GB में कितने GB होते हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, तो देखेंगे तो पाएंगे वहाँ पर कि 1 GB में आपको 0.931 GB मिलते हैं। तो अगर मैं 1000 GB में, क्योंकि 1 TB में 1000 GB होते हैं, तो 1000 GB को अगर मैं 0.931 GB से इंटू कर दूंगा, तो वहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 931 GB, जो कि एग्जैक्ट सेम स्टोरेज है जो कि विंडोज़ हमें दिखाता है। तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो जो विंडोज़ है वो GB, MB, GB और TB इन सब में स्टोरेज कैलकुलेट करता है, बाइनरी यूनिट्स में स्टोरेज को कैलकुलेट करता है, बाइनरी नंबर्स में, और इसी वजह से जो हमें स्टोरेज है वो कम दिखाई पड़ती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक ब्रांड्स चीट कर रहे हैं या फिर OS हमें गलत बता रहा है, इट्स ऑल अबाउट द यूनिट जिसे यूज़ करके उस स्टोरेज स्पेस को कैलकुलेट किया जा रहा है। दोनों अपने अपने जगह सही हैं, ब्रांड्स भी अपने जगह जिस वैल्यू को यूज़ करके वो कैलकुलेट करके स्पेस बता रहे हैं वो सही एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस यूनिट को यूज़ करके वो कैलकुलेट करके स्पेस बता रहा है वो भी अपने जगह सही है। तो विंडोज़ बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करके कैलकुलेट कर रहा है, और जो ब्रांड्स है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों अपने अपने जगह सही हैं, बस यूनिट्स का फर्क है जिस पे उन स्टोरेज स्पेस को कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर बेस 10 डेसिमल फॉर्म में जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा इजी है, कंफ्यूजिंग वगैरह नहीं है, और जो किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, वो ज्यादा लोग जानते हैं बजाय किबीबाइट, मेबीबाइट, टीबीबाइट, मेबीबाइट वगैरह बोलने भी नहीं होता है कभी कभी। तो इस वजह से शायद ब्रांड्स भी शिफ्ट नहीं किए इनके ऊपर, इन वैल्यूज़ के ऊपर, जो कि डेसिमल फॉर्म में जो चल रहा है वो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा लोग जानते हैं, ज़्यादा इजी पड़ता है इस वजह से शायद। यहाँ पर जो एप्पल का जो मैक ओएस है उसमें इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पर जितनी स्टोरेज वैल्यू आपको हार्ड ड्राइव में दिखाई जाएगी वही सेम वैल्यू आपको उनके कंप्यूटर में भी मिलेगी। जैसे कंप्यूटर में 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी है तो उनके कंप्यूटर में भी 1 TB ही स्टोरेज दिखाएगा, 500 GB है तो 500 ही दिखाएगा, कोई कम ज़्यादा, यानी ज़्यादा तो नहीं होता है, कोई कम वैल्यू नहीं दिखाएगी जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी शायद इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। डू लेट मी नो, अगर आपने इस चीज़ को देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस चीज़ के बारे में अगर आप जानते थे पहले से तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी भी जो स्टोरेज वैल्यू शो की जाती है वो बाइनरी में की जाती है, बाइनरी वैल्यू में की जाती है, GB, TB वगैरह में। अब विंडोज़ यानी माइक्रोसॉफ्ट इस चीज़ को कौन से अपडेट में फिक्स करेगा अब ये तो अभी नहीं पता। सो गाइज, ये कुछ शेयर करना था आप लोगों के साथ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा होगा इस वीडियो में। सो लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, शेयर करिए, कमेंट करिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज प्रसन्न मालविया, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।